गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अभ्यास। राइटिंग बुक से वर्क है आपका, ए की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास। चित्र देखकर उचित स्थान पर ए की मात्रा लगाइए। आपको चित्र पहचानने हैं और उनके नाम में देखना है कि कहाँ पे ए की मात्रा लगेगी और सही शब्द बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है आपका अटैची। देखिए, ट में ए की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा अटैची। ठीक है, एग्जाम्पल दिया आपको, इसी तरह से आपको आगे करना है। आपका नेक्स्ट है बैलगाड़ी, तो ब ल गाड़ी, तो किसमें लगेगी? ब में ए की मात्रा, हो जाएगा बैलगाड़ी। नेक्स्ट है थैला, थ में ए की मात्रा, थैला। नेक्स्ट देखिए, ब में ए की मात्रा, बैल, बैल का चित्र है बैल। प पैर है, प और ल लिखा है, प में ए की मात्रा डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका पैर। नेक्स्ट है मैना, माँ में ए की मात्रा लग के बन जाएगा मैना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, चित्र देखकर खाली जगह भरिए। आपको एग्जांपल दिया है, थैला है, सामान रखने के काम आता है, तो आपको यहाँ लिखना है थैला। ओके, इसी तरह से है नेक्स्ट कैमरा बना है, यहाँ लिखा फ़ोटो खींचने के काम आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैमरा। क ए की मात्रा, म और र में अ की मात्रा, ये जाएगा आपका कैमरा। नेक्स्ट है बैलगाड़ी बनी है, सवारी ले जाने के काम आती है, यहाँ पर लिखेंगे हम बैलगाड़ी। ब ए की मात्रा, ल ग, ग में अ की मात्रा और ळ, ळ में ई की मात्रा, ये हो जाएगा आपका बैलगाड़ी, सवारी ले जाने के काम आती है। ओके, तो इस तरह से आपको खाली स्थान भरने हैं और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर याद करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।